पता चलेगा कि भाई जो सामने है यहाँ से वो सीधा दुबई है। और ये नजारा देखिए यार, माशाल्लाह भाई दुबई के कोई जमीन नहीं है, सिर्फ समुंदर ही समुंदर। और जो सामने का इलाका है उसे कहा जाता है दुबई। और ये है यहाँ का फेमस वेलिंगटनी चर्च। तो भाई बम्बई के करीब, मुंबई शहर के करीब उत्तन चौक में ये नजारा, अगर आप लोग यहाँ आए हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। खूबसूरती देखो यार यहाँ की, माशाल्लाह यार। खूबसूरती नहीं, खूबसूरत है। खूबसूरत है, हाँ। अच्छा, जो सैयद साहब बोल दिए वही है भाई, जबरदस्त। अच्छा, तो अपने को आइडिया नहीं देना, पहली बार आए भाई सरकार की बारगाह में, माशाल्लाह यार दिल खुश हो गया। चलो यहाँ पे ये पूरी पार्किंग वगैरह सब कुछ है। पहाड़ी तो देखो, पहाड़ी देखो, ये तो अभी तक सब सिर्फ हम वीडियो में देखते थे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सैयद बालेशाह फिर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज आ गए भाई अपन वापस से मुंबई, और आज मीरा रोड का सफर है। अपने साथ है भाई सुपर स्टार सैयद यूनुस अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे जोर का बोलो, कल मछली फ्राई खाया। वालेकुम अस्सलाम। बापू आज का सफर का है, मीरा रोड से कहाँ जाना है? मीरा रोड से अपन चलेंगे इंशाल्लाह उत्तन। उत्तन, और वहाँ पे भी बकरेबाजी चलेगी। हाँ। उत्तन भी घुमाएंगे और बकरेबाजी का शौक भी कराएंगे, और किस तरीके से यहाँ गोट फार्म पे मेहनत हो रही है वो भी दिखाएंगे। तो बकरेबाज चैनल को सब्सक्राइब करे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैजेस्टिक परफ्यूम्स की तरफ से कुछ तोहफा लाया हूँ लोगों को, वो भी बांटना है। तो सुन्नतों भरा तोहफा देंगे, बकरेबाजी का शौक बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये वाला जो रास्ता है ना, वो मीरा रोड भाईंदर से आ रहा है और सीधा गोराई बीच की तरफ जा रहा है, और हमें यहाँ से राइट लेना है धारावी देवी मंदिर देवस्थान, ये वाले रोड पे अंदर जाना है। और यहाँ पे कौन सा फार्म है सैयद साहब? यहाँ पे एडी गोट फार्म। एडी, हाँ, दोनों तरफ से आता है, दोनों तरफ से आता है, मगर अपने को गूगल मैप यहाँ से लेके जा रहा है ना। तो अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि भाई वो फार्म पे क्या तैयारी चल रही है। भाई यहाँ का नजारा देखो यार, माशाल्लाह यार, क्या ही कहना है यार। भैंस देखो, हाँ भैंस छोड़ दो भाई, पहाड़ देखो यार। और जो लोगों ने एक एक घर बनाया है भाई यहाँ पे, जब अच्छा ये बिल्डिंग है प्रॉपर, माशाल्लाह यार भाई। व्यू देखो यार यहाँ का, ठंडी में तो भाई पूरा फॉग आ जाता होगा यहाँ पे। तो भाई यार वीडियो में सुनते थे ना और देखते थे कि लोग कहते थे उत्तन जो है वो मिनी गोवा है, तो सही में भाई यार यहाँ की तो खूबसूरती कुछ अलग है। सामने वाला घर देखो यार, हो माशाल्लाह यार भाई, अली घर देखो यार, नजरत हाउस, क्या जगह पे लाए हो यार सैयद साहब, यार दिल खुश हो गया यार। अभी और धमाले अंदर भाई, तो बहुत गजब गजब। और भाई उत्तन की ये वाले साइड पे मैं कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, मगर मजा बहुत आ रहा है यार। अरे साथ रहोगे तो बहुत नया नया, क्या बात है माशाल्लाह। केले का खेत देख लो, केले का खेत। ओके, घर देखो यार घर, और उनकी जो कलर थीम है ना भाई, बहुत जबरदस्त यार। तो यहाँ तो यार भाई एडी गोट फार्म ना, हाँ। यहाँ पे तो बकरों को अलग सुकून मिलता होगा भाई यार। अरे वहाँ चल के देखो ना, अलग क्लाइमेट है यार, अलग क्लाइमेट, बहुत जबरदस्त। और एडी जो इतना मुश्किल में इतना सुकून, तो जो भी भाई गोट फार्म वाले लोग है और अगर चाहते हैं मुंबई के करीब में गोट फार्म डालना है, तो एक बार उत्तन जरूर विजिट करें यार, अगर खाली स्पेस है तो। यहाँ पे भी बकरेबाजी का शौक जरूर बढ़ा है भाई। तो ये उत्तन में जो जगह है, ये धारावी से फेमस है शायद, हाँ। इसको धारावी क्योंकि यहाँ पे धारावी देवी मंदिर है इसीलिए। मगर भाई एक है कि लोकेशन जो है ना भाई, सच में बहुत जबरदस्त है भाई। मतलब हर जगह टर्न है, और अगले टर्न पे भाई बहुत जबरदस्त एक से एक घर देखने मिल रहा है। पर्सनल रोड है ना भाई सबके अपने। तो माशाल्लाह यार बालेशाह पीर दरगाह वाले रोड पे थे, अपन पता ही नहीं था यार यहाँ पे आ गए यार। अच्छा, तो अपने को आइडिया नहीं देना, पहली बार आए भाई सरकार की बारगाह में, माशाल्लाह यार दिल खुश हो गया। चलो यहाँ पे ये पूरी पार्किंग वगैरह सब कुछ है। पहाड़ी देखो, ये तो अभी तक सब सिर्फ हम वीडियो में देखते थे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सैयद बालेशाह फिर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो
क्या बात है, क्या बात है, देखते रहे। चैनल सब्सक्राइब किए क्या नहीं आपने? दिखाओ चैनल सब्सक्राइब किए हो तो दिखाओ पहले। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो फिर आपके लिए एक तोहफा है मेरे पास। तो भाई ये बात तो है कि भाई ने अपना चैनल सब्सक्राइब किए। ये पकड़ो जरा, ये लो हमारा भी डाल देंगे कर देंगे। तो ये आपके लिए मैजेस्टिक परफ्यूम की तरफ से एक तोहफा है। सुन्नतों भरा तोहफा है, नहीं नहीं बोलते भाई। तो ये आपके लिए तोहफा है भाई। और वीडियो अच्छे आते हैं अपने? हाँ, बहुत माशाल्लाह, जजाक अल्लाह खैर भाई। तो सरकार की बारगाह में तो आप लोग रहते ही हो, जब भी सरकार की बारगाह में जाए तो मेरे लिए मेरा सलाम अर्ज करे और हम सबके लिए दुआ करे, है ना भाई। तो माशाल्लाह भाई, हम लोग आए हैं हजरत बालेशाह पीर की बारगाह में भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सामने आप देख सकते हैं रोजा मुबारक भाई। और जिंदगी में पहली बार यहाँ पे आया हूँ भाई, दिल को इतना सुकून मिल रहा है क्या ही मैं बोलूँ। तो रब ताला का बड़ा एहसान है कि बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले जहाँ भी जाते हैं भाई, बुजुर्गों की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अब कुछ दिखाता हूँ भाई अपने बकरों की शौकीनों के लिए भाई। जोर का बोल रहा है, यहाँ पे ऐसा भी है। हाँ, यहाँ पे वो लेपर्ड बोलते हैं, लेपर्ड। हाँ, टेंडुआ लेपर्ड। टेंडुआ, हाँ, वो यहाँ चला आता है, नॉर्मली आता है, नॉर्मली घूम के चला भी जाता है। क्या बात भाई, आपने देखे लेपर्ड यहाँ आ जाते? हाँ, अरे मैंने कितने जल्द सुना है कि आस्थाने के पास आए, बैठे और चले गए। तो रात में तो काफी लोगों ने देखा, मतलब यहाँ बैठे और वहाँ बैठा। सबसे अच्छी चीज क्या देखने मिली मालूम क्या भाई? दरगाह शरीफ पे तो आए भाई, एक बकरी जिसके तीन बच्चे, तीनों सेम। हाँ, एक बकरी काली थी। हाँ, बकरी काली है, बाकी उसके ये तीन बच्चे आप लोग देख लो माशाल्लाह। और ये सब जो बच्चे इसके होते रहते नियाज में भाई काम आते, बरोबर भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपने को चाय भी मिल गई है भाई ने, चाय ला, इसके लिए जजाक अल्लाह खैर। ये अभी एक दो दिन हुआ है भाई, नहीं हो गया, दो दिन थी, दो दिन। और भाई इसके ऊपर जो ब्राउन के ऊपर डार्क ब्राउन पैच आया है ना भाई, और सबसे बेस्ट जो एक व्हाइट कलर का छोटा सा धब्बा। और काफी बच्चे है यहाँ पे भाई अभी माशाल्लाह। एक चीज दिखाता हूँ ना, जो लोग कहते हैं ना क्वालिटी चाहिए अपने को, एग्जॉटिक में क्वालिटी, तो वो भी नियाज के लिए ही है भाई। हाँ, नियाज। क्या बात कर रहे हो भाई? अंदर है। हाँ, तो, तो, तो भाई ये देखो भाई यार, माशाल्लाह यार क्वालिटी देखो इसकी भाई। ये कौन सी नस्ल है पता है? जिंग? नहीं नहीं, फिर बेंटम? नहीं नहीं, इसको आपुन दे रहे नाम, थुन्नु मुन्नु। थुन्नु मुन्नु है। आपुन तो ऐसे बकरेबाज है जो नस्ल के बारे में जानते ही नहीं है भाई यार, सिर्फ बकरों का वीडियो बनाते हैं माशाल्लाह यार। सुपर क्वालिटी यार भाई, सुपर क्वालिटी माशाल्लाह भाई। तो माशाल्लाह यार, बकरा बाजी तो चलती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों का। ये क्या नस्ल है भाई? ये तो बकरे में नहीं, मैं तो एक ऐसा बकरेबाजू जो ब्रीड जानता ही नहीं हूँ भाई, हकीकत में तो अपने वीडियो में खुल के बोलता हूँ भाई। बस मैं बकबक करता हूँ, मेरे भाइयों को पसंद आती है। कौन सी ब्रीड है? कोटा? कोटा ही है ना, बहुत खूबसूरत है। और बकरा है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप दरगाह पे रहते हो भाई और बकरों का भी शौक कर रहे हो, और ये सारी चीज नियाज के लिए, हमारे वाहिद भाई। वाहिद भाई, तो ये मैजेस्टिक परफ्यूम की तरफ से एक इत्र का तोहफा आपके लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम सब आ रहे हैं मीरा रोड में, मैजेस्टिक परफ्यूम का एक आउटलेट यहाँ भी खुल रहा है, तो आप लोग वहां भी जाना और ये वाला इत्र यूज करके जरूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा भाई। माशाल्लाह दिल खुश हो गया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हजरत बालेशाह पीर जिनकी मजार शरीफ की जियारत होती थी सिर्फ यूट्यूब पे और वीडियोज में भाई, घूमते घूमते आज बुजुर्गाने दीन की बारगाह में पहुंच गए, बहुत सुकून मिला। और एक नजारा और दिखाता हूँ ना भाई, जिसको देखने के लिए मुंबई कर्स पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं भाई। और ये नजारा कोई नॉर्मल नहीं है। अगर आप भाई समुंदर, बोटिंग और फिशिंग से ताल्लुक रखते हो, उस चीज से आपको मोहब्बत है, तो बालेशाह पीर जो दरगाह है भाई उसके जस्ट बाजू में थोड़ा सा आगे आओगे ना तो ये नजारा आपको देखने मिलेगा। क्योंकि ये जो पूरा गाँव है ना यहाँ पे भाई, ये मछुआरों का है। देखो भाई एकदम वाइल्ड लाइफ चल रही इधर, वाइल्ड लाइफ एकदम है। देखो हाँ दिख रहे, नहीं देखो ना, सब झाड़ पे बैठे हुए, देखो बंदर, बंदर बहुत बंदर है भाई यहाँ पे भाई। यार ये जो जगह है ना भाई, ये पूरे फिश वाले जो है ना भाई, फिश वाले, यहाँ से मछली का कारोबार, और ये बर्फ का कारखाना है, और यहीं पीछे भाई धक्का है। हाँ, अब ये नजारा देखो यार माशाल्लाह भाई, ये नजारा देखो यार, लोग प्रॉपर लगे हुए, ये वाला नजारा देखो, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा यार। तो अब चलते ना सैयद साहब, वो डेक तक तो चलेंगे ना अपन। और भाई ये भी एक मछली मार्केट है, तो ये भी अननोन ब्लॉगर के चैनल पे जरूर आएगा यहाँ से रिलेटेड वीडियो। आज तो बस ऐसी रेंडम विजिट कर रहे थे, अभी देख लेते भाई यहाँ का क्या सीन है ना। तो भाई ये चीज भी अपने को देखने मिल गई, ये देखने के लिए तो अपन भाउचा धक्का और यहाँ वहां जाते थे भाई। ये भी एक अलग स्पॉट है, और यहाँ से, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से फिश लेके आते, स्पेशली गुजरात वगैरह से।
तो ये देख सकते हो आप भाई कितनी सारी बोट लगी हुई है। थोड़ा देखो थोड़ा और आगे बढ़ते जहाँ पे फिश अनलोड हो रही है ना भाई, वहाँ पे चलते हैं अभी। तो भाई आज उत्तन का वीडियो तो एकदम अलग ही होने वाला है भाई। ओ हो माशाल्लाह नेमत देख लो भाई यहाँ पे सब, ये सारी नेमत देख लो भाई। मैं कह सकता हूँ ना भाई, मुंबई में कई सारे रहने वाले लोग आज तक यहाँ पे विजिट नहीं किए होंगे भाई, ये कुछ अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे सब मच्छी डिवाइड हो रही है भाई अलग अलग नस्ल के हिसाब से भाई। ये देखो ओ हो ये बहुत आती है भाई वहाँ पे क्रॉफर्ड में, ये यहाँ पे ज्यादा आती है नायगांव फिश मार्केट में वाली फिश बहुत आती है भाई। देख रहे भाई फुल लोग मेहनत में, और भाई इसके अंदर लॉबस्टर वगैरह है शायद। तो भाई उत्तन अपने आप में एक नेमत है भाई, फुल नेचुरल है, अलग अलग तरीके की फिश देखने मिल रही है। हमने बकरेबाजी का शौक किया, अब बढ़ते हैं सैयद साहब आगे, तो इंशाल्लाह एक दिन यहाँ का पूरा व्लॉग हम बनाएंगे पूरा। भाई टाइमिंग क्या है यहाँ पे, फिश कौन से टाइम उतरती है, टाइम क्या है जो मछली आती है, सब फिक्स टाइम नहीं है? फिर अगर हमको वीडियो बनाने आने है तो फिर कैसा क्या टाइम रहता होगा? और ये जगह कौन सी है? उत्तन चौक। मर ये नजारा पहली बार देख रहे हैं, मुंबई में 35 साल के हो गए भाई, बहुत खूबसूरत जगह है यार। यहाँ तो डेली का नहीं उतरते, डेली नहीं उतरता यहाँ पे। अच्छा हवा अगर ज्यादा है तो हम ये साइड आ जाते, नहीं तो फिर उत्तन जाते। ओके मतलब ये सरप्राइज है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा ऐसा है। थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा तो हवा ज्यादा इसके लिए बोट यहाँ पे आया है, क्या बात है यार। तो सर आप लोग से जरूर मुलाकात होगी, थैंक्स अ लॉट। ये सब ये वाली कौन सी मछली है पता है, ये कौन सी है? वो तो मिनी शार्क है, ये इसको क्या बोलते हैं? पाकड़। ओके मैं तो पापलेट ही बोल दू, पापलेट ही बोल दू। अपने लिए मछली है, खाली बन के आए प्लेट में बस। तो भाई ऐसा लग रहा नहीं है कि अपन बॉम्बे में घूम रहे हैं यार, बॉम्बे के करीब अपन उत्तन भाई मीरा रोड से 10 किलोमीटर दूर, और कुछ अलग नजारा है। नमक है क्या? बर्फ है भाई ये, हाँ कटिंग टूट के जो आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई दरगाह शरीफ की जियारत हो गई, कुदरत की शान, समुन्दर जहाँ पे मछुआरे लोग काम कर रहे हैं जिसे कहा जाता है उत्तन चौक, वहाँ पे हम चले गए। उत्तन गांव घूम रही है, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अभी वेलिंगकनी और कहाँ कहाँ जाना है भाई? वेलिंगकनी तो वहाँ भी जाएंगे ना, और वक्त रहेगा तो वहाँ भी। और वेलिंगकनी को कहा जाता है कि भाई मिनी गोवा, तो बहुत खूबसूरत नजारा है। और आज पूरा उत्तन की सीरीज जो है ना भाई, यहाँ आने के बाद तो एक ही चीज फिर से रिपीट करूंगा कि एक बार में उत्तन गाँव को कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। पीछे के घर आप लोग देख सकते हो यार, एकदम जो कहते हैं ना ड्रीम हाउस, जबरदस्त भाई। उत्तन में जो एडी गोट फार्म है ना, वहां पहुंचने के लिए कुछ ऐसे रास्ते हैं भाई, खाली रास्ते देखो बकरेबाजी में कहां कहां जा रहे हैं भाई। मगर एक है भाई, आपको अभी पूरा सामने समुंदर है और पहाड़ के ऊपर ये फार्म है, तो भाई यहां का नजारा तो मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जबरदस्त होने वाला है भाई। ये नजारा देखो, बरसात में हम आए हैं पहाड़ के ऊपर एडी गोट फार्म, और यहाँ का नजारा देखो यार माशाल्लाह क्या जबरदस्त है। यही है वो, तो अच्छा है कि बापू पहले आके गए यहाँ पे, नहीं तो भाई पहुंचना तो भाई बहुत मुश्किल था भाई। दुनिया पड़गा जा रही है, मापोली जा रही है, जमीन पे फार्मिंग कर रही है, ठीक है सामने समुंदर, और मेरे को लगता है कि 2 किलोमीटर का तो सिर्फ हम लोगों ने पहाड़ पे ट्रेवलिंग की है। तो यहाँ पे बकरे सेफ रहते हैं अपने भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप देखेंगे ना। और माशाल्लाह अंदर चलते हैं, और मैं कह सकता हूँ ना कि वन ऑफ द हाइजीन गोट फार्म भाई। गोट फार्म में अननोन ब्लॉगर की टीम जो सबसे पहले देखती है ना, वो हाइजीन, माशाल्लाह भाई यार क्या चीज है यार भाई क्या चीज। और तो ये मोस्टली जो ये फार्म है, ये खुद का सेटअप है फार्म अपना, कि पलाई पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं लोगों के बकरे की भाई। अब तक तो ऐसा था कि अपन लोग अपने खुद के पलाई पर ज्यादा ध्यान देते, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दिया है तो अपन पलाई को भी। और क्या चार्जेस कर रहे हो अपना? 40 kg के अंडर जो है उसका 2500 है, और उसके ऊपर 3000 है। मोर्टेलिटी रेट क्या आती है अपने फार्म पे भाई? देखो हर 100 बकरे में कितना पकड़ोगे आप?
5% पकड़। हाँ तो वो खुल के आपको बताना है ना भैया, क्योंकि अपने वहाँ हिडन कुछ भी नहीं होता है। और अगर मोर्टिलिटी होती तो उसमें फार्म का लुकआउट नहीं है, नेचुरल होती है। तो नेचुरल, और अगर आप लोग के गलती से होती है तो उसका हम लोग भरपाई। क्या बात है। तो माशाल्लाह ये फार्म से रिलेटेड एक वीडियो मैं पूरा बनाऊंगा और अपने चैनल पे भी अपलोड करूंगा। और आज हम उत्तन गांव घूम रहे, तो उत्तन गांव भी घुमाना है, दरगाह शरीफ दिखाना है, समुन्द्र का किनारा दिखाना है, और स्पेशली अपने चैनल का जो बेस है भाई बकरेबाजी, वो तो दिखाना बनता ही है ना भाई। तो बस थोड़े टाइम में मैं अभी अपलोड करूंगा भाई इनके फार्म का पूरा टूर, और ये सीरीज तो चलती रहेगी। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, और इससे रिलेटेड वीडियो हमने अननोन ब्लॉगर के चैनल पे बकरेबाजों के लिए सेपरेट भी एक अपलोड किया है, तो आप लोग वो ज़रूर भी देखना, ज़रूर देखना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये था एडी गोट फार्म, जो एक नॉर्मल पलाई सेटअप है, और यहाँ पे भी इनका चल रहा है भाई केज का सेटअप। तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ये सारे केज तैयार हो जाएंगे भाई, और जो इनको केज में बकरे पलाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 केज की यहाँ पे तैयारी चल रही है, वो भी हम वीडियो में कवर करेंगे। और अभी आप कहाँ लेके चल रहे हो? अभी अपन लोग यहाँ से चलेंगे मिश्कात गोट फार्म। मिश्कात गोट फार्म तो एग्जॉटिक है वहाँ पे भी? वहाँ पर है सब चॉइस, सब चॉइस के, तो वो भी हम कवर करेंगे आज। बकरेबाजी का फुल चौक आजादी है वहाँ पर, हैदराबादी का शौक कराएंगे लोग। तो जैसे हमने आपके गोट फार्म का एक अलग वीडियो और एक इसमें हमने कवर किया, तो मिश्कात का भी वैसी करेंगे, थोड़ा सा डेमो इसमें देंगे और मिश्कात का एक पूरा वीडियो कल अपलोड करेंगे। तो अब चल और केज यहाँ जब होने के बाद इनका ये भी प्लान है, पूरा जगह इनके अंदर में। कौन सी? अच्छा, तो ये प्लेइंग एरिया भी है ना बरसात के बाद। और हम भाई पहाड़ के ऊपर है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर में कह सकता हूँ। तो इधर भी केजेस का पूरा इंतजाम। और ये जो सामने ब्लू वाला शेड दिख रहा है, ये क्वारंटाइन सेंटर है। आप बकरा चाहे कहीं से भी लाओ, तो पहले कितना दिन यहाँ रखोगे? एक हफ्ते से 10 दिन का। हफ्ते से 10 दिन जब उसकी हेल्थ चेकअप हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो बकरे बड़े बाड़े में सेट किया जाएगा। नीचे इनका मुर्गी का फार्म है, ऊपर बकरे का फार्म है, और यहाँ पे ये ला रहे अभी केज कल्चर। तो अब चलते हैं मिश्कात गोट फार्म की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप बहुत अच्छा शौक करा रहे हो लोगों का, और सुन्नतों वाला काम है ना ये भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, नहीं, तो एक सुन्नतों भरा तोहफा मैं आपको देता हूँ, सैयद साहब आप दे दो मैजेस्टिक की तरफ से भाई एक इत्तर है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मीरा रोड में भी इनका आउटलेट ओपन हो रहा है, तो आप ये जरूर यूज करें और कमेंट करके बताएं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। और जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपके लिए डीओ और ऑयल वगैरह भी लाऊंगा मैं। तो बस जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैजेस्टिक वाले भाई लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह हर किसी की रोजी में खूब बरकत दे। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई जो भाई के छोटे भाई है एडी गोट फार्म के, और उनकी भी बहुत मेहनत है फार्म पे, बकरेबाजी का शौक बढ़ा रहे। तो मैजेस्टिक की तरफ से सुन्नतों भरा तोहफा एक आपके लिए भी है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैजेस्टिक परफ्यूम आपके मीरा रोड में बहुत जल्द आ रही है, तो आपको वहाँ विजिट करना, और ये वाला रोल ऑन यूज करके आपको जरूर कमेंट करना है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, है ना भाई? जरूर भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जहाँ जहाँ अपने भाइयों का बिजनेस है अपना, तो काम बनता है, उनको सपोर्ट किया जाए। एडी गोट फार्म से बाहर निकलते ही माशाल्लाह ये नजारा देखो भाई, पूरा समुन्दर भाई, ये जो सामने समुन्दर का व्यू है वो देखो क्या जबरदस्त है यार, माशाल्लाह। पानी और बादल एक हो गया। हाँ माशाल्लाह जबरदस्त लोग, और सामने भाई पूरा समुंदर, ये है जो सामने पूरा समुंदर का व्यू है भाई। यार उत्तन देख लो यार, कसम से भाई हमने क्या माशाल्लाह भाई। यार प्रवीण भाई और मौसम भाई, सैयद यूनुस अली भाई का तो नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो साथ में ही है, मगर यहाँ का नजारा देखो यार, यहाँ की खूबसूरती देखो, बकरेबाजी भी हो रही है, फिशिंग का शौक भी हो रहा है। ओ हो ये वाला टन देखो भाई, नहीं नहीं अभी आगे आगे दिखाएंगे, बहुत जबरदस्त टन आ रहा है भाई ना, ये टन देखो और ये व्यू देखो भाई, 360 भाई, ये देखने के लिए तो लोग गोवा जा रहे भाई। ऐसे तो अपॉइंटमेंट हो गई है कि भाई आने वाला संडे अपने यहाँ पे, और कुछ एक रिसोर्ट भी है यहाँ पे भाई, उनका नाम तो नहीं पता, मगर रिसोर्ट वगैरह भी है यहाँ पे। अच्छा रिसोर्ट बहुत है, क्या कर रहे थे मुंबई में यार, ये सब नजारे नहीं देखे थे यार। और मुंबई के कितने रहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये नजारा देखे वो कमेंट करें, और जिन्होंने नहीं देखे यार ये तो धक्का है प्रॉपर भाई फिशिंग का। जबरदस्त। अगर आप मिश्कात गोट फार्म आते हो ना, तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप बस में भी आ सकते हो भाईंदर रेलवे स्टेशन से, वेस्ट में ना सही है सर, वेस्ट से डायरेक्ट बस चलती है। और वो लोकेशन क्या है, बस स्टॉप का लोकेशन क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई। इधर से अगर आप बस लेते हो ना, तो तकरीबन 10 या 15 रुपए में आ जाएंगे,
कराईपाड़ा, जगह का नाम है कराईपाड़ा, यहाँ पे उतरना है और ये अंदर वाली गली लेना है मिस्कात गोट फार्म के लिए। माशाल्लाह यार मस्जिद देखो कितनी खूबसूरत है यार, क्या बात है माशाल्लाह भाई। और भाई यहाँ पे जो घर है ना भाई, नेक्स्ट लेवल के घर है भाई, माशाल्लाह देखो घर के बाहर लिखा हुआ है माशाल्लाह। खाली घरों की खूबसूरती देखो यार भाई, बोलता है हाँ यार सही। चर्च देखो यार एकदम विंटेज है भाई ये वाला, तो स्कूल भी देख सकते हैं आप भाई। खाली चर्च देखिए एकदम विंटेज चर्च है भाई ये तो, उत्तन स्कूल वगैरह देखो यार, सेंट जोसेफ क्या जबरदस्त स्कूल है भाई, क्या बात है यार। अच्छा ये बरसात की वजह से इनके स्पोर्ट्स का ग्राउंड खराब हो गया था, तो ये स्पोर्ट्स का ग्राउंड है भाई। उत्तन तो यार अपन सोच रहे थे कि एकदम गांव जैसा होगा, मगर माशाल्लाह भाई यार बहुत जबरदस्त है यार यहाँ पे तो सब कुछ, माशाल्लाह स्कूल कॉलेज घर बहुत जबरदस्त जगह यार। तो फाइनली भाई घूमते घूमते हम लोग आ गए भाई, कौन सा फार्म है भाई, मिस्कात, मिस्कात गोट फार्म। चलते अभी अंदर और यहाँ का भी व्यू कवर करते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम भाई? नावेद खान। नावेद भाई अपने फार्म का नाम क्या है? मिस्कात गोट फार्म। और कितने साल से हम ऑपरेट कर रहे हैं? हम लोग ये हो गया तकरीबन 4.5 साल ऊपर। तो ये आप भी कोरोना के बाद वाले बकरेबाज हो? हाँ हाँ बोल सकता हूँ मैं, कोविड के बाद जो अपन बकरेबाज बने। कोरोना के पहले हमारे अब्बू बकार पे मतलब 2 बकरे करके पालते थे। तो ये फार्म का सेटअप हमने कोरोना के बाद किया, तो ये अपना खुद का है रेंट पे? ये खुद का। तो कितने बकरे अवेलेबल है यहाँ पे अपने पास? ज्यादा करके अपन ब्रीडिंग सेटअप पे कॉन्सेप्ट करना है, और बकरे भी अवेलेबल अभी अंदाज बताओ तो 20 बकरे है अवेलेबल। तो मिस्कात गोट फार्म एक हम लोग रिव्यू ले रहे पूरे उत्तन का, उसमें एक छोटा सा पार्ट डालेंगे, फिर आपके फार्म का टूर का एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो चैनल पे कल अपलोड करेंगे। तो थोड़ा बढ़ते अब अपन बकरों की तरफ। तो भाई माशाल्लाह बकरेबाजों के लिए खजाना यहाँ पे। तो ये मोस्टली जो बकरे सब पलाई पे अपने पास अभी, इसमें ये सब अपने खुद के अपने लाए। अच्छा रेडी करेंगे। हाँ वो पलाई पे। हाँ ये अपना मेन ब्रीडर है। अच्छा माशाल्लाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत है यार भाई। उसके कान कितने इंच पे? ये अभी समझ जाओ सरफराज भाई नीचे से 3 इंच कट गए थे। हाँ तो अभी करंट 17 इंच पे, अगर कटे नहीं रहे 20, तो जबरदस्त है भाई और फुल वाइट जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिस्कात गोट फार्म का हमने पूरा टूर किया है, यहाँ का भी एक अलग से वीडियो बना है जो अपने चैनल पे 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा भाई। और उत्तन में भी ऐसी ऐसी नेमत देखने मिल रही है, अल्लाह का बड़ा एहसान है भाई। तो भाई बकरेबाजी में सैयद साहब के ये भतीजे साहब है, और भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने एडी गोट फार्म वाले, तो नाश्ता है थोड़ा सा नाश्ता करते और सॉफ्ट ड्रिंक थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो भाई अपने भाई लोग बहुत भारी है भाई, हर पॉइंट को पकड़ते है भाई। ये थम्सअप पेप्सी नहीं है भाई, कैंपा कोला है और इंडिया का ब्रांड है ना भाई, इंडियन ब्रांड है भाई। और पानी भी दिखा देता हूँ भाई, ये भी इंडियन ही है। हाँ ये सब देख लो भाई, है ना। तो अब करते हैं थोड़ा सा नाश्ता फिर आगे बढ़ते हैं भाई, अभी उत्तन और घूमना है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सुन्नतों भरा काम कर रहे हैं, बकरेबाजी का शौक बढ़ा रहे। तो सुन्नतों भरा तोहफा मैजेस्टिक परफ्यूम की तरफ से एक बकूर है और एक वो डायमंड। हाँ तो आप अल्हम्दुलिल्लाह भाई थोड़े दिन में मीरा रोड में भी मैजेस्टिक परफ्यूम आ रही है, आप वहाँ भी विजिट करना और ये रोल ऑन यूज करके जरूर आप कमेंट करना कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगे। जरूर। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी भाई हक हलाल की रोजी तलाश रहे, आपका भी शुक्रिया और भाई अपने मैजेस्टिक उनका भी शुक्रिया। तो अल्लाह हर किसी की रोजी में खूब बरकत दे भाई। ये तुम्हारे लिए है और एक भाई के लिए, नहीं तो तुम सोचो कि दोनों मेरे लिए। नहीं नहीं दो जन के लिए दो तोहफा है भाई, भाई के लिए। ठीक है माशाल्लाह। और सैयद साहब आप क्या दबा रहे हो सुबह में? पैटीज कैंपा कोला और नाश्ता, फुल दावत चल रही है सही। हाँ ये भी इंडियन है ना, जरूरी है भाई। तो अब इसके बाद कहाँ चल रहे अपन? इसके बाद अपन चलेंगे इंशाल्लाह, शाम हो गई है तुम बोलो, नहीं तो फिर निकल चल। नहीं थोड़ा बहुत तो और उत्तन घूमेंगे ना भाई यार, वेलिंगकनी ना भाई, तो भाई को भी लेंगे साथ में अपन। हाँ तो वेलिंगकनी भी चलेंगे भाई, और उसे कहा जाता है मिनी गोवा। और अगर उत्तन आते हो वो नहीं देखते हो तो फिर मतलब ही नहीं देना भाई। समुन्दर का आखिरी एंड अपन कह सकते, मतलब जमीन का आखिरी एंड जो समुन्दर को जोड़ रहा है, खत्म हो जाए।
सऊदी, अच्छा उसका दूसरा एंड सऊदी है, क्या बात है भाई। तो ऐसे लोकेशन पे जा रहे जहाँ का दूसरा एंड दुबई सऊदी है। चलो चलते हैं अभी भाई। भाई मिस्कात गोट फार्म का भी टूर हो गया और अपने भाई एडी गोट फार्म का भी टूर हो गया। और सैयद साहब चेहरा तो दिखा दो। अभी अपन सब कहाँ जा रहे हैं भाई लोग? वेलंकनी मिनी गोवा। तो आज उत्तन के टूर में वो भी दिखाएंगे अपन। हाँ अच्छा। और अभी तो एडी गोट फार्म पे भाई फिश की दावत का भी प्लान हो गया जिसमें प्रवीण भाई लोग आने वाले हैं ना। तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये है मिस्कात गोट फार्म। अब यहाँ से निकल रहे हम सब वेलंकनी के लिए भाई। ये थोड़े से रोड पे मत जाओ भाई, आगे के जो नजारे है, जो गांव है, जो यहाँ के बंगलो है भाई, देख के दिमाग काम नहीं करे, इतनी खूबसूरत जगह है। तो भाई पेट्रोल बचाना भी जरूरी है। यहाँ पे सैयद साहब की बाइक पार्क हो रही है, दो बाइक है, 1/2 चलेंगे अभी, है ना। कौन हो भाई आप? कौन हो? परपेंडिकुलर हूँ। चलो अब चलते है और वेलंकनी की तरफ ना भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई प्रॉपर उत्तन गाँव के अंदर चल रहे भाई, जहाँ ऐसे ऐसे हेरिटेज घर है। और सबसे अच्छी बात माशाल्लाह यार अजान की आवाज आ रही है। ये प्रॉपर उत्तन का गांव है भाई। हाँ जो यहाँ के लोकल है उनको ही पता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं मेन रोड से आके चले जाते हैं। हाँ ये अंदर अंदर का रास्ता है। रॉकिंग। तो ये प्रॉपर उत्तन का गांव है यहाँ भाई, और अजान की आवाज माशाल्लाह यार। तो ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है गाउटन में ना भाई? क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है, मैक्सिमम क्रिश्चियन कोली। और जहाँ वहाँ पे हम गए थे वो मिस्कात गोट फार्म के, वहाँ मुसलमान कम्युनिटी थी वहाँ। और बहुत सुकून वाली जगह यार, आप लोग देख के बताओ यार। मुंबई के अंदर जो सच में कहते ना लोग कि भाई मिनी गोवा है, तो प्रॉपर भाई गोवानी लोग ही यहाँ पे ज्यादा है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का इतिहास अगर हम निकालने जाएंगे तो बहुत पुराना पोर्चुगीज टाइम का निकलेगा भाई। अच्छा वो जो चर्च आपने बताया था वो प्रॉपर वही था ना भाई, पोर्चुगीज टाइम का? शाहरुख खान की एक पिक्चर है भाई पुरानी। ये देखो भाई गरा। कौन सी भाई? शाहरुख खान की जोश। पिक्चर है जोश नहीं फिर वो कभी हाँ कभी ना ऐसा करके कुछ है। हाँ उसमें वो वही चर्च की शूटिंग है जहाँ मैंने जो चर्च आपको दिखाया। अच्छा ये देखो भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से अब नजारे देखो भाई, क्या जबरदस्त जगह भाई। और मैं चाहता हूँ भाई ये वीडियो को भाई स्किप किए बिना आप लोग देखे भाई। मुंबई के पास ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह है कि अपना भाई दिमाग काम नहीं करे। अंधेरा हो रहा है, फटाफट वेलंकनी चर्च के पास पहुंचना है, क्योंकि वहां पे जो है ना भाई डेड डेड जमीन वहां पे पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और वहां से एक नवी नजारा है भाई, नवी नजारा है वहां से समुद्र का। ये सब व्यू देखिए भाई यार। अच्छा ये सब घर देखिए ना भाई, ड्रीम हाउस बहुत खूबसूरत। भाई माशाल्लाह भाई, भाई मैं चाहता हूँ एक बार के लिए बाइक थोड़ा सा रोक दो भाई। ये वाला घर थोड़ा सा ये टेंट के आगे ले लो। ये वाला घर देखो यार भाई, माशाल्लाह भाई। तो जिस किसी ने भी बनाया है भाई, बहुत अरमान के साथ बनाया है इस घर को भाई। ये देखो जबरदस्त भाई। उत्तन तो काफी टाइम आया हूँ मगर इतना अंदर उत्तन में मैं कभी नहीं घूमा भाई। ये जो सारे नजारे हैं ना भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। एक एक घर मतलब गांव के अंदर जो देखने मिल रहे हैं ना भाई। अच्छा ये सब रिसोर्ट है? रिसोर्ट है ये। ओके तो यहाँ की जो खूबसूरत, अच्छा मतलब दोस्त यार वगैरह आते ही होंगे यहाँ पे प्रॉपर रहने के लिए, एक एक दिन दो दो दिन का जो ट्रिप पे के जितने दोस्त है ना वो अक्सर यहाँ पर आते हैं। जैसे 6 महीने में साल भर में नाइट आउट करना है, पार्टी करनी है, तो यहाँ पर आते थे। जैसे ये भी एक रिसोर्ट है। अच्छा, हमारे ये सब एकदम लग्जरी, हम कह सकते हैं एकदम जबरदस्त वाले। ऐसे ही थोड़ी इसको सरफराज भाई मिनी गोवा बोला जाता है। प्रॉपर गोवा वाला फील देता है भाई ये लुक देखो। रस्ते गोवा तो मैं कभी गया नहीं हूँ, मगर कई लोगों के मुंह से सुना कि ये मिनी गोवा है। तो जंगली जानवर वगैरह भी देखने मिलते हैं यहाँ पे भाई? जंगली जानवर, लेपर्ड वगैरह है यहाँ पे? लेपर्ड नहीं है भाई, वागुल बाग बोल के आता है, जंगली बड़ी बिल्ली होती है वो है, फॉक्स है। फॉक्स है यहाँ पे लोमड़ी, अपने फार्म पर, अपने फार्म की तरफ काफी फॉक्स है। तो अपने को वो भी देखना है भाई, वो भी इंशाल्लाह कभी कवर करेंगे आप। जबरदस्त भाई, सब छोड़ दो, और अल्लाह की दी हुई नेमत है भाई, इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं क्या बोलूं। अच्छा यहाँ से समुद्र का व्यू है देखो सामने। तो फाइनली जिस चीज का इंतजार था, अगर आप उत्तन आते हो और ये नजारा नहीं देखते हो ना भाई, लैंड एंड हम कह सकते ना भाई, ये जो जगह है ना भाई ये लैंड एंड। यहाँ से जो समुंदर है, यहाँ का जो दूसरा कोना है भाई ऑपोजिट डायरेक्शन, वो सीधा दुबई है भाई।
तो ये तो बहुत जबरदस्त है भाई, अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह ने ऐसे ऐसे दोस्तों से मिलाया है और जहाँ जाते हैं वहाँ इज्जत मिलती है। लोग कह रहे थे बकरेबाजी करके करोगे क्या, तो बकरेबाजी में अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि मैं क्या ही बोलूँ भाई। तो भाई हम ऐसी जगह पे खड़े ना जिसे यहाँ के लोग बता रहे हैं भाई कि ये जो जगह है इसका नाम है वेलिंगनी चर्च, और ये भाई कैथलिक लोगों में बहुत होली प्लेस की तरह है भाई, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। और सामने समुंदर, और समुंदर के वो साइड जो कंट्री है वो दुबई है, राइट भाई, वो दुबई है। और एक दिखाता हूँ जो स्पेशल लोग देखने आते हैं ना यहाँ पे, वो चीज है वेलिंगनी स्टेच्यू ना भाई, वो मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई। और वहां पे जाने के लिए भी पर्सनल सीढ़ी है भाई, वहां से जो समुंदर का व्यू मिलता है कुछ अलग लेवल का मिलता है भाई। तो जो क्रिश्चियन लोग है भाई, कैथलिक लोग, उनके लिए भाई ये जगह बहुत, मतलब उनके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे आना। और ये जगह जो है उत्तन में है भाई, उनके लिए होली प्लेस है, राइट ये। और ये सामने समुंदर का नजारा, और यहाँ पे कुछ मेले की तैयारी चल रही है। जब भाई लोग बता रहे हैं कि जब इनका फिश आता है ना, इनका फेस्टिवल है यहाँ का, तो ये सारे मेले चालू हो जाते, तो भाई यहाँ का नजारा कुछ और होता है। मैं चाहता हूँ मुंबई के करीब अगर आप लोग रहते हो ना, तो भाई उत्तन आप लोग जरूर आए, माशाल्लाह यार, रब की दी हुई नेमत। अगर नहीं देखते हो तो क्या देखते हो, तो गोराई है भाई। और जो सामने लाइट आपको दिख रही है वो गोराई बीच है, राइट भाई, वो गोराई बीच है। मैं जूम करके थोड़ा सा लेने की कोशिश करता हूँ भाई। तो जब आप उत्तन आते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई। मैं भाई से पूछता हूँ, जब उत्तन भाई, अगर जब हम उत्तन आते हैं तो घूमने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शन है, आप जरा सा बता देंगे। ऑटो नहीं, और घूमने कहाँ कहाँ अपन जा सकते हैं उत्तन में? और अगर आप बाइक से, और कौन सी चौका हमने, वो जो हमने स्टार्टिंग में बताया जो धक्का यहाँ पे फिश उतरती है। और उसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा, उत्तन आओ तो यहाँ पे भाई गेस्ट हाउस लेके एक से दो दिन रुके और उत्तन को पैदल घूमे भाई। हाँ। क्योंकि अंदर जो एक एक प्रॉपर्टी, जो एक एक घर है ना भाई, जो यहाँ के लोकल लोगों को पता है ना, जैसे मैंने आप लोगों ने आपको जिस रास्ते से लाया, हाँ, वो रास्ते क्या करेंगे, मेन रोड से आते हैं, मेन रोड से चले जाते हैं। तो जो यहाँ के प्रॉपर गांव के रहीवासी है वो आपको प्रॉपर बताएंगे भाई, क्या बात है भाई यार। तो माशाल्लाह भाई, आप मिस्कात गोट फार्म वाले, और भाई आप एडी गोट फार्म वाले, आप लोगों ने बकरेबाजी का शौक बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स है सैयद इमुसली भाई का, जिन्होंने मैं उत्तन एक्सप्लोर करने में मेरी मदद की और हर जगह घुमाए। पीछे का नजारा देखो यार, माशाल्लाह, सामने दुबई है भाऊ, तेल का कुआं अभी भी, दोनों है। तो आपको कैसा लगा उत्तन का सफर, टीम अंदर ब्लॉगर का? पूरा अपना है, सब अपना है, जब जाना है तब। तो ये मजाक वाला पार्ट ना भाई, मस्ती होना चाहिए। आसमानी झूला दिखा दिए ना भाई, पहले ही दिखा, ये देखो ना, ये और क्या चाहिए। तो अंधेरा है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं यार भाई। अल्हम्दुलिल्लाह टीम अननोन ब्लॉगर आ जाई थी भाई उत्तन को एक्सप्लोर करने। यहाँ हमने बकरेबाजी का शौक आप लोगों को दिखाया, पोर्चुगीज टाइप के जो चर्च है वो दिखाने की हमने कोशिश की, मिनी गोवा जिसे उत्तन में मिनी गोवा कहा जाता है भाई, वो हमने दिखाने की कोशिश की। और एक उत्तन नाका, उत्तन चौक, जहाँ पे मछली उतारी जाती है, अगर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे धक्के पे मछली नहीं उतरती, उत्तन चौक वाली साइड पे उतरती है। गोराई बीच हम नहीं जा पाए, माफी चाहते। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जब अगला टूर हो उत्तन का, तो हमें और कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए। और समुन्द्र में जो हवा है बहुत तेज है, उसके वजह से आवाज थोड़ी कट रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप लोग का कमेंट ही टीम अननोन ब्लॉगर के लिए कंटेंट होता है, तो जरूर कमेंट करके बताएं उत्तन के बाद हमें कहाँ का वीडियो बनाना चाहिए, और अगर हम उत्तन का वीडियो बना रहे हैं तो हमें और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने भाई के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैजेस्टिक परफ्यूम जो हमें हर वीडियो में स्पॉन्सर करती है और उत्तर का शौक लोगों में बढ़ा रही है भाई, तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी अक हलाल की रोजी में बरकत दे। मैजेस्टिक परफ्यूम के आउटलेट कहाँ कहाँ पे और क्या रेट है, क्या क्या ऑफर है, वो सारी चीज हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके जरूर चेक करें। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त।